हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी यस टीवी पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त रंजीत कौर, जो हाजिर हो चुकी है बॉलीवुड गॉसिप्स के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई यस टीवी पर आपको ढेर सारी बातों की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये भी इन्फॉर्मेशन वाला शो है जिसका नाम है बॉलीवुड गॉसिप्स। इसमें तो बातें होती हैं बॉलीवुड सितारों से जुड़ी हुई और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। सो भाई आज की हमारे पिटारे में क्या खबरें हैं ये आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट भी आप कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पिटारे में बॉलीवुड से जुड़ी हुई क्या है खबरें। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बॉलीवुड जगत में जो है ना वो पार्टी का माहौल बना हुआ है। पार्टी का माहौल क्यों बना हुआ है, क्योंकि 28 सितंबर, जी हाँ 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है लता मंगेशकर, जी हाँ स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जो बर्थडे है वो 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया। इस बार उनका 92वां यानी कि 92 जो उनका बर्थडे था सेलिब्रेट किया गया। विशाल भारद्वाज ने उन्हीं का पुराना जो कि 22 साल पुराना सॉन्ग है वो गाना रिलीज किया, जिस सॉन्ग के लिरिक्स हैं ठीक है लेकिन सब ठीक नहीं लगता है। जी हाँ इस सॉन्ग के जरिए उन्हें स्पेशल फील करवाया गया और उनके बर्थडे को स्पेशल बनाया गया। जी हाँ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ हमारी अगली खबर। जी हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड दुनिया में जो पार्टी का माहौल चला है, और इसी बीच करीना कपूर खान ने भी अपने वीक की शुरुआत पार्टी के माहौल से की। जी हाँ करीना कपूर ने अपने आशियाने में पार्टी का माहौल बनाया और उन्होंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को इनवाइट भी किया, जिनमें उनकी पार्टी में शामिल थे उनकी सिस्टर करिश्मा कपूर, अमृता अरोड़ा, मनीष मल्होत्रा और करण जौहर। जी हाँ मनीष मल्होत्रा ने उनकी पार्टी की पिक्चर्स शेयर की हैं इंस्टाग्राम पर। वो पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं और लोगों को पसंद भी आ रही हैं। और इसी बीच वायरल पिक्चर्स की बात करें तो भाई अपनी शिल्पा शेट्टी भी तो काफ़ी एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर। जी हाँ सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर जो है शिल्पा शेट्टी की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फैंस ने उस वीडियो को लाइक भी किया है और बहुत सारा प्यार भी दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि शिल्पा शेट्टी की वीडियो में क्या था खास। बेखास था उनके साथ उनकी बेबी गर्ल समीशा शेट्टी। जी हाँ यहाँ शिल्पा शेट्टी की जो वीडियो है इसमें शिल्पा शेट्टी अपनी बेबी गर्ल समीशा शेट्टी के साथ खेलती हुई नजर आ रही हैं। बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है, ग्रीन बैकग्राउंड में वो सेम कलर की ड्रेस पहनती हुई प्यार करती हुई अपनी बेटी को नजर आ रही हैं, और उनका एक्साइटमेंट लेवल तो देखने लायक ही लग रहा है भाई। तो इसी के साथ अब मैं आपको बता देती हूँ हमारी आज की लास्ट अपडेट बॉलीवुड से जुड़ी हुई भाई अपने अक्की। जी हाँ बात कर रही है अक्षय कुमार। भाई अक्षय कुमार जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बिजी मैन है। अब मैं उन्हें बिजी मैन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो एक फिल्म की शूटिंग खत्म नहीं करते कि दूसरी फिल्म की लोकेशन पे भी पहुंच जाते हैं। जी हाँ अभी देखिए ना वो कितने बिजी मैन हुए। सो भाई अक्षय कुमार का बिजी शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि इस साल और अगले साल उनकी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं। इस दौरान आपको बता देती हूँ कि अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी जो कि दिवाली पर रिलीज होने वाली है सूर्यवंशी, इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी फिल्मों में अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं। इसी बीच मैं आपको बता दूँ कि अक्षय कुमार का जो इस टाइम पीरियड चल रहा है वो काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल कह सकते हैं कि वो चल रहा है। सो यही थी हमारी आज की बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे गॉसिप्स के साथ। अब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए यस टीवी। गुड बाय एंड टेक केयर टू यू ऑल।